जी, तो कैसे लगे प्रीसेट्स? अच्छा लगा ना? तो चलो आज यही प्रीसेट बनाते हैं, कैसे इनको एडिट करते हैं वो देखते हैं। तो हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। और कल के वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का। तो चलो आज अपने पास ये कुछ फ़ोटोज हैं, मैंने अनिस प्लेस से कुछ डाउनलोड करी है इनको, और आज हम इनमें से किसी एक फ़ोटो को एडिट करेंगे। उस प्रीसेट का बेसिकली प्रीसेट है क्या कि अपनी पोर्ट्रेट को मूडी टोन में कन्वर्ट कैसे करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, किसी एक फ़ोटो को एडिट करेंगे और बाकी की फ़ोटोज़ में वही सेटिंग कॉपी करेंगे, मतलब वही प्रीसेट अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि वो प्रीसेट किन किन फ़ोटो पे एकदम सही लगता है, किन में अपने को कुछ एडिट और करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि इन सारी इमेजेस को लाइट रूम में इम्पोर्ट कर देते हैं। चलो जी, ये हो रही है लाइट रूम में इम्पोर्ट। तो ये 8 के 8 फोटोज हो गई अपने लाइट रूम में इम्पोर्ट। इनमें से किसी एक फ़ोटो को अपन एडिट करते हैं। तो चलो इसको करते हैं अपन। तो ये फ़ोटो अपनी खुल गई है लाइट रूम में। तो सबसे पहले अपन जाते हैं लाइट वाले पोर्शन में। इसमें एक्सपोजर को कर देते हैं 0.30 पॉजिटिव में, कॉन्ट्रास्ट को कर देते हैं +40 और हाईलाइट को कर देते हैं -30। अब शेडो को इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव के 50 तक। चलो ये शेडो हो गया पॉजिटिव 50। वाइट काफ़ी लग रहा है तो वाइट को डिक्रीज करते हैं, वाइट को डिक्रीज कर देते हैं -30 तक। ओके, ब्लैक को इंक्रीज करते हैं, ब्लैक को इंक्रीज कर देते हैं पॉजिटिव के 50 तक। ओके, तो ये हो गया अपना लाइट का काम। अब अपन चलते हैं कर्व पे। कर्व में जो फर्स्ट वाला है RGB, इसमें अपन क्या करते हैं, शेडो को हल्का सा डिक्रीज करते हैं। ओके, मूडी टोन बनाना अपने को। और जो ये लास्ट वाला पॉइंट होता है गाइस, ये होता है फेड के लिए, लाइक आप अपनी फ़ोटो को फेड भी कर सकते हैं इससे। तो शेडो को हल्का सा इससे अपन, ये हो गया फेड भी बढ़ा। उसके बाद अपन चलते हैं रेड पे। रेड में शेडो को अपन हल्का सा डिक्रीज करते हैं। ओके, उसके बाद अपन चलते हैं ग्रीन पे। ग्रीन में भी शेडो को हल्का सा डिक्रीज करते हैं और जो मिड टोन है उसको भी हल्का सा डिक्रीज करते हैं। गाइज, मैंने कल ही आपको बताया कि जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो होता है शेडो का, बीच वाला पोर्शन होता है मिड टोन का, एंड जो राइट पोर्शन होता है अपर में वो होता है हाईलाइट का। तो अपने को रेड और ग्रीन दोनों हो गया अपना। अब अपन चलते हैं ब्लू में। ब्लू में भी शेडो को हल्का सा डिक्रीज करते हैं। ओके, हल्का सा डिक्रीज एंड मिड टोन को भी हल्का सा डिक्रीज। ठीक है, तो ये हो गया अपना कर्व का काम। अब उसके बाद चलते हैं अपन इस पोर्शन में। इसमें अपन टेम्परेचर नहीं छेड़ते हैं और थोड़ा सा टिंट बढ़ा देते हैं। टिंट को ले जाते हैं पॉजिटिव के 10। ओके, पॉजिटिव का 10 इज एनफ। अब चलते हैं अपन वाइब्रेंस पे। वाइब्रेंस को हल्का सा बढ़ाते हैं +30 एंड सेचुरेशन को भी हल्का सा बढ़ा देते हैं +20। +20 इज एनफ। ओके, अब अपन चलते हैं मिक्स में। मिक्स में गाइज क्या कर सकते हैं कि आप अपना हर एक कलर को अलग अलग तरीके से एडिट कर सकते हैं। आप जैसे रेड है तो रेड में ह्यू को कितना रखना है, सेचुरेशन कितना रखना है, ल्यूमिनेंस कितना रखना है। अब अपन चलते हैं रेड में। रेड में ह्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं +10 और सेचुरेशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि अपनी फ़ोटो में आप देख रहे हो कि रेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो अपन सेचुरेशन को -50। अब बहुत चलते हैं ऑरेंज में। ऑरेंज में क्या करते हैं, ह्यू को अपन थोड़ा सा रेड की ओर लेके चलते हैं, ह्यू -10। सेचुरेशन भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है अपने को, तो सेचुरेशन भी हल्का सा नहीं, काफ़ी माइनस करना पड़ेगा अपने को, -51 ही जाना होगा, -51 ऑरेंज का सेचुरेशन। और जो ऑरेंज का लुमिनेंस है वो अपन थोड़ा सा बढ़ाते हैं पॉजिटिव का 33। ओके, मतलब हल्का सा पॉजिटिव 30, 32, 33 बढ़ा सकते हैं। अब अपन चलते हैं येलो में। येलो का ह्यू पूरा ऑरेंज की ओर कर सकते हैं, मतलब -100 एंड जो सेचुरेशन है वो -50, -55। ठीक है, उसके बाद हल्का सा लुमिनेंस बढ़ाते हैं +10। अब चलते हैं ग्रीन में। ग्रीन का सेचुरेशन -50। ग्रीन भी अपने को बहुत दिख रहा है तो इसका -50 कर दिया अपन ने।
और सेम एक्वा के लिए करते हैं, एक्वा के लिए भी सेम -50। अब ब्लू पे जाते हैं, ब्लू का जो सेचुरेशन है वो अपन काफ़ी कम कर देंगे इसमें, तो -80 हो गया, -80 ब्लू का सेचुरेशन रखते हैं। और जो पर्पल एंड मजेंटा है उनका अपन सेचुरेशन पूरा डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये मिक्स वाला पोर्शन भी अपना डन। देखो काफ़ी चेंजेस लग रहे हैं फोटो में, पहले किस टाइप की थी अभी हो रही है ना कुछ अच्छी अच्छी। तो चलते क्लियरिटी, क्लियरिटी को तो हल्का बढ़ाते हैं +20 एंड डीएज को भी +20। तो गाइज ये हो गया अपना, कल की तरह ही काम हो गया। तो आज अपन एक नई टर्म यूज कर रहे हैं, वो है स्प्लिट टोन। स्प्लिट टोन क्या होता है कि आप हाईलाइट और शेडो के लिए हर टाइप का ह्यू एंड सेचुरेशन रख सकते हो। जो नीचे वाली लाइन है वो ह्यू की है, एंड जो ये आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये होगा सेचुरेशन के लिए। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्लिट टोन में हाईलाइट के लिए ह्यू को बढ़ाते हैं और तो हल्का सा सेचुरेशन भी बढ़ाते हैं। तो इसका मैं ह्यू ले जाता हूँ 64 और सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अपन चलते हैं शेडो में। शेडो को क्या करता हूँ मैं, ह्यू इसका ह्यू 194 लेके चलता हूँ और सेचुरेशन ले चलता हूँ मैं इसका 10। ओके लगभग ठीक है इतना। अब जो बैलेंस है इसको अपन हल्का सा डिक्रीज करते हैं, तो इसको मैं ले गया -26। ओके ये हो गया अपना बैलेंस। अब अपन तो हल्का सा काम करते हैं सिलेक्टिव पे। तो मैंने कल भी बताया था कि सिलेक्टिव अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। अब अपन आज क्या करते हैं, जो बाहर का पोर्शन है उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन जो भी चेंजेस करेंगे वो बाहर वाले पोर्शन में होंगे। तो इसको हल्का सा कॉन्ट्रास्ट अपन बढ़ा देते हैं, हाईलाइट डिक्रीज करते हैं एंड शेडो भी डिक्रीज कर देते हैं। अब अपन तो ये हो गया गाइस बाहर का काम। अब अपन वापस थोड़ा अंदर के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रीसेट डन। तो देख लो गाइस ये थी अपनी ओरिजिनल पिक और ये हो गई अपनी एडिट होने के बाद की। तो चलो इसको प्रीसेट बनाते हैं और अपने जो बाकी की फ़ोटोज हैं उन पे भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगता है, किन फ़ोटो में क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा। तो चलो इसको प्रीसेट बनाते हैं, क्रिएट प्रीसेट एंड मैं प्रीसेट न्यू प्रीसेट ग्रुप बनाता हूँ पोर्ट्रेट डन और इसमें लिख देता हूँ मैं मूडी। तो ये बन गया मेरा प्रीसेट, ठीक है गाइज। तो अब मैं इसको बाकी की फ़ोटोज़ भी अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा लगता है। तो ये अपने पास फ़ोटो आ गई, इस पे जाते हैं प्रीसेट पे और अपना जो था पोर्ट्रेट इसमें मूडी ये रहा। तो देख रहे हो गाइज क्या सही लग रही है फ़ोटो एकदम। उसके बाद चलते गाइज नेक्स्ट पे। चलो ये फ़ोटो खुल गई, अब इसमें अपना ये प्रीसेट अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया मूडी, देखो यार क्या सही फ़ोटो लग रही है। ये थी पहले, ये हो गई अभी की। तो गाइज ऐसे आप अपनी फ़ोटोज़ को प्रोफेशनल, कितनी प्रोफेशनल फ़ोटो लग रही है। तो चलो इस पर ट्राई करते हैं अपना प्रीसेट। ये फ़ोटोज यार एकदम नॉर्मल फ़ोटोज हैं, लाइक आप अपने मोबाइल से खींची उस टाइप की रॉ फोटोज है ये। ये देखो भाई इसमें हल्का सा अपन चेंजेस करते हैं, जो ये पोर्शन है हल्का डार्क हो गया है
इतना सा चेंजेस करने पे देख लो यार, पहले कैसी थी अभी किसी, मतलब कोई भी आपकी प्रोफाइल देखेगा तो कितना सही लगेगा देखो। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फोटो की तरफ। ये गाइस, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई चेंजेस करना पड़ेगा, एकदम परफेक्ट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ना भाई ये तो, इसमें भी हल्का सा चेंजेस करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। अपन हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाया और हल्का सा शैडो को इंक्रीज किया। तो ये देखो गाइस, ये थी पहले, ये हो गई अभी। तो अभी अपनी ये एक फ़ोटो रह गई है, इस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। सॉरी एक नहीं, दो फोटो रह गई, एक लास्ट में और रह गई है। ये देखो, इस पर तो कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो ये भी डन, अभी रह गया अपना एक और फोटो, उस पर भी देख ही लेते हैं। ये वाला, लेकिन यार आज जितने प्रीसेट बनाया है उसमें मेरे को नहीं लगता कि कहीं भी, देखो कितनी सारी फ़ोटोज़, कितनी टाइप की फ़ोटोज़ पे अपन ने प्रीसेट अप्लाई किया, कहीं भी हल्का सा थोड़ा बहुत कहीं चेंजेस करना पड़ा तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं करना पड़ा आज, एकदम सही से सेट हो रही है सब। तो गाइस आज के लिए था बस इतना ही। ये प्रीसेट नहीं, ये डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे, आपको इसके लिए मेरे को मेल करना पड़ेगा। तो जो मेल आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे को मेल करना, मैं आपको इसकी DNG फाइल भेज दूंगा। तो आप वहाँ से कॉपी या क्रिएट प्रीसेट पे जाके अपने लिए अपनी सारी फ़ोटोज़ भी ये प्रीसेट अप्लाई कर सकते हो। देखो यार कितनी सही फ़ोटोज़ लग रही है सब। तो चलो थैंक यू गाइस, और हाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे @BeingJalam। तो जाके वहाँ भी फॉलो करो, वहाँ भी मैं अपनी सारी फ़ोटोग्राफी अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ भी फ़ोटोज़ वगैरह। चलो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।